गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ओके क्लास 3, दिस इज फॉर यू सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 सबट्रैक्शन. सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन मींस टेकिंग अवे, किसी चीज को कम करना. और इसका साइन क्या होता है? माइनस. दिस इज सबट्रैक्शन साइन माइनस. ओके सपोज मेरे पास 6 चॉकलेट्स हैं, उसमें से मैंने 2 किसी को दे दिए. अब मेरे पास कितने रह गए? 4. तो अब कैसे पता चलेगा कि मेरे पास क्या है? तो उस चीज को सीखने के लिए हम क्या सीखना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन. सपोज आई हैव 6 बॉल्स. मेरे पास कितने बॉल्स हैं? 6. इसमें से मैंने 2 किसी को दे दिए, 2 मैंने किसी को दे दिए, तो फिर मेरे पास कितने बचते हैं? 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 रिमेनिंग 4. ठीक है, इसको हम अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है 10 - 5 = 5. तो जिस लार्जर नंबर से हम माइनस करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिन्यूएंट. और जिसको माइनस कर रहे हैं स्मॉल नंबर को, उसको बोलेंगे सब्ट्रैक्ट. एंड द आंसर बिटवीन द सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस. ओके नाउ कम टू नेक्स्ट सिंगल डिजिट नंबर. ओके इन सिंगल डिजिट वी ऑलवेज यूज वन सिंगल नंबर. मींस हम सिर्फ 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 3. ठीक है, अगर हम डबल डिजिट की बात करें तो उसमें हम 1s और 10s की बात करेंगे, जो आप लोगों ने क्लास 2 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 36 and 14. तो हम 14 को 36 में से सबट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे नॉर्मली हम कर सकते हैं 6 में से 4 गया कितने बचे? 2. और यहाँ पे 3 में से 1 गया कितने बचा? 2. नेक्स्ट कम टू कैरी सम्स. यहाँ पर जैसे 34 है, तो 34 में से हम नॉर्मली 19 को माइनस कर सकते हैं. बट अगर मैं सिंगल डिजिट की बात करूँ, पहले 1s फिर 10s, तो अगर हम हमेशा जब भी सबट्रैक्ट करेंगे तो हम 1 साइड से स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर क्या है, मैं 4 में से 9 को नहीं घटा सकती, इसलिए मैं क्या करूंगी? 3 से 1 बोरो करूंगी. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 से 1 बोरो किया, तो ये हो गया 14. और 14 में से जब हम 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 5. और यहाँ पर रह जाएगा रिमेनिंग नंबर 2. 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? 15. ओके नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर. अगेन इन क्लास 2 वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट 1s, 10s, 100. ओके तो हमने पहले 2 डिजिट में सबट्रैक्शन किया, अब हम 3 डिजिट में देखेंगे. यहाँ पर जैसे मैंने लिया है 816 and 557. तो इसमें भी हम बोरो करेंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हम 1 में से 1 बोरो करेंगे, क्योंकि 6 से हम 7 को घटा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? 1 बोरो करेंगे. ये हो जाएगा 16. तो 16 में से 7 गया, रहेगा 9, यहाँ पे रहा 0. तो 0 में से क्या 5 को हम माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो अगेन हम 8 में से क्या करेंगे? 1 को बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 10. 10 10 में से 5 क्या? 5 बचा. यहाँ पे रहेगा कितने? 7. और 7 में से 5 क्या? 2. ओके सो आंसर इज 259. नेक्स्ट कम टू 4 डिजिट नंबर. 4 डिजिट में हम 1s, 10s, 100, 1000. इसमें हम 1000 को भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम 4 डिजिट की बात कर रहे हैं. इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है 9876 को हमें सबट्रैक्ट करना है 3725 को हम सबट्रैक्ट करेंगे किससे? 9876. इसमें कोई कैरी सम्स नहीं है, नॉर्मली आपको जस्ट सबट्रैक्ट करना है. इसमें 6 में से 5 गया 1 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 3 गया 6. ओके नाउ स्टूडेंट्स कम टू द वर्ड प्रॉब्लम. हियर इज अ वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम पेज नंबर 75. सुरीसका स्कूल हैज 5658 स्टूडेंट्स. सुरीसका के स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5658. तो यहाँ पर कीर्तिज स्कूल हैज 3240 स्टूडेंट्स. कीर्ति के स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 3240. सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो दोनों के स्कूल का हमें डिफरेंस निकालना है. तो पहले हम लिखेंगे कि सुरीसका के स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं.
और कीर्ति के स्कूल में है 3240। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है। सो डिफरेंस इन देयर स्कूल कितना होगा? डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम हमेशा माइनस का साइन यूज करेंगे। तो मैं क्या करूँ, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा? नहीं, आंसर विल बी 8। नेक्स्ट 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2। सो डिफरेंस इन देयर स्कूल इज 2480। ओके, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखाया है, आप बाकी के सारे सॉल्व कीजिएगा अपनी कॉपी में, ऐसे ही स्टेटमेंट के साथ सारे सॉल्व कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।